फिर 50% जितने भी सरकारी पद है, जितने जितने रोजगार हैं, वो महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे। मतलब पहले से जो आरक्षण है वो चलेगा, तो जो ओबीसी आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है चलेगा, बस उसमें आधी महिलाओं को मिलेंगी नौकरियां, ताकि महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आशा, आंगनवाड़ी और जो मिड डे मील की महिलाएं हैं, जो मदद करती हैं, आजकल कई सालों से आपका जो मानदेय है वो बढ़ाया नहीं गया है, उस मानदेय में केंद्र सरकार की तरफ से भी पैसे डलते हैं, हम उन पैसों को दुगना करेंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए और आपको सुविधा हो। उसके साथ साथ नौजवानों के लिए, सुन लो, नौजवानों के लिए 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार ने खाली रखे हैं उनको भरने का काम हम तुरंत शुरू कराएंगे। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बना है, बनाएंगे, जिसमें से अगर आप अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई अपना छोटा सा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कुछ भी छोटा बिजनेस शुरू करना चाहे, तो उस फंड में से आपको पैसे मिलेंगे। ये खास नौजवानों के लिए है। जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, क्या करते हैं, बच्चा शिक्षित होता है तो स्थायी नौकरी मिलने से पहले उसको कहीं पे इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप में डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो सीख भी लेता है और उसको वेतन मिल भी जाता है। लेकिन गरीब परिवारों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है उनको। तो हम सरकार की तरफ से जो भी स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए हम ये अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1,00,000 रुपए सालाना नौजवानों को मिलेगा जब तक उनकी स्थायी नौकरी नहीं है। किसानों के लिए मैंने जीएसटी की बात की, महंगाई की बात की, जितने भी खेती के सामान हैं जिसपे आज जीएसटी लगा है वो सब हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। आज जब 2024 का लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कर रहा है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने के लिए आज एकजुट होकर के दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को इस प्रकार का सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए।